वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हम क्लास नाइन्थ का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है या साइंस का कहें तो 7 चैप्टर न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो जो 2023-24 सेशन के लिए आई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, है ना, पिछली किताबों में 8 चैप्टर में था। चलिए ब्लू क्वेश्चन देखते हैं, उनके बीच में चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी जै नाम से जिनको आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट वन स्टार्ट करते हैं, कई पार्ट में दिए हुए हैं। तो इससे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन तो दबाना आपको भूलना ही नहीं है, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस चला, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस, अगर हो सकता है तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल भी आप दीजिए। चलिए देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला, यस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ ए पर्सन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो एक पर्सन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब भी हो सकता है, लीनियर में भी स्ट्रेट करेगा तो बैंड होके आ सकता है। एंड कंप्लीटेड वन कंप्लीट राउंड, तो इस केस में भी एक एग्जाम्पल भर हमने दिया है ना, इस केस में भी होता है, कंप्लीट राउंड देन द पर्सन मूव थ्रू द डिस्टेंस बट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। सुनो बेटा क्या कहना चाह रहा है कि भाई सपोज करो ये गोल राउंड है, तो ये ए पोर्शन से इस पॉइंट ए पॉइंट से चला और एक राउंड पूरा करके यहाँ से चल के फिर इसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस तो ये चला लेकिन अपनी इनिशियल पोजिशन फिर से आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो यस ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक किसान है उसका खेत है, ठीक है, वो क्या है स्क्वायर बाउंड्री का ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो कह रहा है कि भाई सपोज करो ये पर्सन फार्मर जो है वो यहाँ पे है, ए पोजीशन पे है, अभी ये बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया डी, तो सपोज करो वो ए पॉइंट से चला, वो कह रहा है अपने खेत का एक चक्कर वो 40 सेकंड में पूरा कर लेता। 40 सेकंड में कितना चलता है बेटा वो देखो, देखो 10 ये चलता है, 10 ये चलता है, 10 ये चलता है और 10 ये चलता है, ये हो जाता है इसका वन राउंड, कितनी देर में चलता है 40 सेकंड में। ठीक है, तब आपको बताना कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जान लेते हैं पहले। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हम ए को लेके चल रहे हैं ना। चलिए साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है 10 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो यानी 40 मीटर चलने के लिए वो 40 सेकंड लेता है, कितना टाइम लेता है 40 सेकंड। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि भाई देखो टाइम टू मूव वन टाइम, एक बार चलने में अराउंड दैट बाउंड्री, बाउंड्री के चारों तरफ एक बार चलने में 40 सेकंड लेता है। ठीक, अब आप समझ चुके हैं, यानी कि एक चक्कर चलेगा 40 सेकंड, दूसरा चक्कर चलेगा 80 सेकंड, तीसरा चक्कर चलेगा 120 सेकंड। अब उसने पूछा था 120 सेकंड में कितना पूछा, सॉरी 140 सेकंड में पूछा, तो भाई 120 सेकंड में तो फिर से यहीं पे आ गया आफ्टर 20 सेकंड। देखो 40 सेकंड में पूरा चक्कर चलता है, तो 20 सेकंड में हाफ चलेगा, मतलब देश एंड देश कहाँ चलेगा यहाँ, तो यानी कि ये सी पॉइंट पे आके बैठ गया यहाँ पे, है ना, तो 140 सेकंड बाद ये सी पॉइंट पे होगा। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा आप जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींची जाती है ना, तो ये हो गए मिनिमम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप निकाल दीजिए ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो भाई ये वैल्यू ये क्या है बेटा, ये तो डायगोनल है या इसको हाइपोटेनियस, अगर इसको ट्राइंगल मान लिया जाए इसको या नीचे वाले को भी आप मान सकते हैं, तो ये साइड हो गई 10, ये साइड हो गई 10, ये हाइपोटेनियस आपको निकालना है, तो क्या लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उससे आ जाएगा ये 10 का स्क्वायर प्लस अंडर है ना स्क्वायर रूट में रहेगा 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा बेटा कितना 200, कितना आ जाएगा 200, तो 200 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 100 into 2, कितना लिख सकते हैं 100 into 2, तो 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 10 आ जाएगा और अंदर फंसा रह जाएगा बेचारा 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा इस तरह से 10√2, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, वैसे आप आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं तो यहां पे भी सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो उससे जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.14। ठीक है, तो ये मीटर है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सी बातें सही हैं, इट कैन बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है,
तो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता था। तो अभी अभी हमने एग्जांपल देखा था सर्कुलर मोशन में, एक चक्कर घूम के आ गया तो जीरो हो सकता था, मतलब यहाँ पे ए से चला घूम के एक राउंड चल के आया तो यहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो यस डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो, और उसने कहा था डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स हो गया। तो हम दे देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एट इट कैन बी जीरो, क्योंकि जीरो हो सकता है एज ऑब्जेक्ट रीचे एट द सेम पॉइंट, यानी जहां से चला था अगर ऑब्जेक्ट वहीं पे पहुंच जाए फिर से तो उसका उस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा आफ्टर मोशन, मोशन के बाद। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड, हाँ इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा होता है? तो गलत स्टेटमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस है। तो वो क्या हो सकता है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट टू हम देखने वाले हैं यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना, स्पेस रहेगा यहाँ पे, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो एक ऐसा रेट, जब भी हम रेट की बात करते हैं तो बेटा जनरली टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होता है टाइम से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसको हम स्पीड कहते हैं। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन इन सर्टेन डायरेक्शन, यानी कि भाई देखो इसमें भी डिस्टेंस चेंज हो रही थी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसने कह रहा है कि ये क्या है रेट एट विच चेंजेस पोजिशन, अपनी पोजिशन चेंज करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ वेलोसिटी में क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई है, यानी फॉर्मूला सेम लगाएंगे बस यहाँ पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट और आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है एक वेक्टर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वैल्यू की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। और लास्ट डिफरेंस देख रहे हैं, वैसे डिफरेंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फिलहाल है ना इस क्वेश्चन के हिसाब से यहीं पे इतना करेंगे हम। स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकती है और निगेटिव नहीं हो सकती है फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड जीरो या निगेटिव नहीं पॉसिबल है। जबकि बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकती है, डिपेंड करती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर को जा रहा है तो हम प्लस लेंगे, नीचे को जा रहा है तो माइनस लेंगे, है ना। तो इस तरह से चलिए, अंडर व्हाट कंडीशन, कंडीशन और कंडीशंस, यानी एक कंडीशन भी हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। वो कह रहा है वो कौन सी कंडीशन होंगी जिस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होते हैं, वो कंडीशन बता दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बराबर हो सकती है कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, एक सीधी लाइन में चल रहा हो विद कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट मतलब कॉन्स्टेंट उसकी स्पीड रही हो, तब ऐसा पॉसिबल है, यानी कि यू चेंज ना हो रहा हो, यू और वी बराबर हो, तो ऐसे केस में ये संभव है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो ऑटोमोबाइल सॉरी ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, तो बाइक वगैरह में लगा होता है, यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या करता है कितनी डिस्टेंस चल चुकी है व्हीकल ऑटोमोबाइल, इस चीज को ये मेजर करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वो कह रहा है पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका रास्ता मतलब भाई चलते हुए वो ऐसे ऐसे कैसे कैसे दिखाई देगा, तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन, तो आंसर है लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेस से रीच द ग्राउंड, यानी ऊपर सैटेलाइट से स्पेस शिप से कोई सिग्नल आया ग्राउंड पे धरती पे पहुंचा स्टेशन पे इन 5 मिनट, टाइम दिया है 5 मिनट, तो हम लिखेंगे तुरंत टाइम 5 मिनट्स दिया है, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 300 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपसे डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में एस पूछा गया है, ये लो हमने डिस्टेंस पूछा है, हमने डी लिख लिया, ठीक है। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, सिग्नल की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है जो कि होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हमको दी है 3×10^8, ये पावर में है ना, 10 की पावर में है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं टाइम आपको दिया है,
ठीक है, डिस्टेंस आपसे पूछी है, वेलोसिटी दिया है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन लगा देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, हमने वैल्यू रखा दिया है ना, तो 3 × 10⁸ वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, डी निकालना है 300, ऐसे कर लिया है ना, ऐसे रखा रहने दिया। तो जब हम क्या करेंगे 300 को इधर लेके आएंगे तो बेटा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 900 × 10⁸, ठीक है, 900 × 10⁸, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9 × 10⁻¹⁰, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या वहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं, तो भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट थर्ड क्या दिया हुआ है पार्ट थर्ड में, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कब आप कहेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है, कब आप कहते हैं, है ना, ऐसा क्या देखते हैं, चलिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी जो है सेम अमाउंट में चेंज हो जाए सेम टाइम इंटरवल में, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है, तो भाई ये कहा जा रहा है कि तब उसको कहेंगे, यानी कि वेलोसिटी टू पहली सेकंड में 2 m/s बढ़ी, 2 m/s बढ़ी, अगली सेकंड में फिर से 2, अगली सेकंड में 2, तो सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही, तो उसको कहेंगे हम ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है। नेक्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, उसमें कहा था इक्वल, बाई यूनिफॉर्म पूछा था, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो उसमें आया था क्या, चेंजेस बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h, एक बस की स्पीड घटते घटते 80 से आ गई है 60, तो यानी इनिशियल स्पीड 80 थी, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से, है ना, मल्टीप्लाई करके 1200/9 आ जाएगा, 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, वीवी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो 50/3 आ जाएगा, टाइम क्वेश्चन में दिया है 5 सेकंड, कितना दिया है 5 सेकंड, तो आप जान पा रहे हैं बेटा कि इसका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, तो एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस में आने वाली है, पहले हमको पता है फाइंड द एक्सेलेरेशन, वेरी गुड, हम लगा देंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ये क्या एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यही होती है, ठीक है, तो a इक्वल टू 200/9 v की वैल्यू माइनस u की वैल्यू और डिवाइड बाय टाइम, तो जब इसको सॉल्व करने हम जाएंगे तो 1.11 आगे भी डेसिमल प्लेसेस में कुछ वैल्यू आती रहेंगी, तो आप डेसिमल के 2 places, 3 places तक यहां पे छोड़ सकते हैं और आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक ट्रेन स्टार्ट करी है कहां से, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट की है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट हो रही है, तो यानी यू आपको जीरो दिया, सीधे हमने यू जीरो दिया है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तुरंत, आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h और उसकी स्पीड 40 km/h हो गई, कितने टाइम में, 10 मिनट में, तो फाइनल वेलोसिटी दी है 40, वी की वैल्यू 40 दी है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत, ठीक है, फाइंड इट्स एक्स, और टाइम दिया है 10 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया 600 आ गया, 1 min = 60 seconds से, है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा, एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगाया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन भी आप कह सकते हैं इसको, तो भाई वी की वैल्यू रखी, यू की वैल्यू रखी, डिवाइड बाय 600 कर दिया, तो 1/54, देखो ये है ना, इसको करेंगे तो ये सेम चीज आ जाएगी, 100 से कट जाएगा 100 से कट जाएगा 600 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 9/54, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0185 की वैल्यू आने वाली है, कितनी आ जाएगी बेटा 0.068, ये वैल्यू आपको आने वाली है, ठीक, चलिए 0.0185। नेक्स्ट, पार्ट फोर की तरफ मूव करते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहा कि ये बताइए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए करें और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के करें तो ग्राफ किस टाइप का पाते हैं, तो बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जो क्लासेस वगैरह में आपको कराया गया है, ठीक है, तो आप जानिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म अगर मोशन है डिस्टेंस टाइम के बीच तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, कैसी बेटा स्ट्रेट लाइन, तो कहा गया यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन लीनियर लाइन, तो ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, ठीक है, नॉन लीनियर होगी। चलिए, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line?
यानी कि एक डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सीधा लाइन आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे टाइम एक्सिस से? तो हम कहेंगे कि भाई देखो, ये ऑब्जेक्ट कुछ चला होगा पहले इतना, उसके बाद वो चल ही नहीं रहा, उसकी डिस्टेंस ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं हो रही है ना, तो हम कहेंगे कि वो रुका हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, ये ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन तो है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर ये ऐसे हो जाए तो उसको नहीं कहेंगे फिर, है ना। तो यानी कि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होनी चाहिए, टाइम की एक्सिस के होनी, तभी ऐसा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और ये जो लाइन दी गई है वो कह रहा है कि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम क्या कहेंगे? देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ना प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वॉट इज द क्वांटिटी, है ना, थ्री रहा होगा, आई थिंक थ्री रहा होगा। वॉट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो कह रहा है उस क्वांटिटी का नाम बताओ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, मतलब ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ खींचा है इसके नीचे का एरिया, यानी ये सारा एरिया जो है ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जान लीजिए बेटा, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी तो ये टाइम को नहीं डिस्टेंस करता, किसको? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता बेटा। द क्वांटिटी विच इज मेजर इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस, आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर फोर, है ना। इससे पहले कौन सा देखा था भाई? पार्ट फोर देखा था, फिर से पार्ट फोर आ गया क्या? ठीक है, आई थिंक ये पार्ट फाइव रहा होगा, है ना, इसको सही कर लीजिएगा, पार्ट फाइव रहा, थ्री है तो फोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। एक बस है, रेस्ट से चलना स्टार्ट की है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई बेटा, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 0.1। रेस्ट से चलिए तो बेटा एक्सेलेरेशन प्लस में ही रहा होगा, है ना, स्पीड बढ़ेगी, तो ए की वैल्यू हमने नोट कर ली तुरंत, है ना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम दिया है 2 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 120 सेकंड। यू दिया है, ए दिया है, टाइम दिया, वी आपसे पूछा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, है ना, उसने पूछा कि द स्पीड एक्वायर, तो वी पूछा है, तो फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी आप यहां पे लगा देंगे, तो वी यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस यू की जीरो हो गई, ए की वैल्यू 0.1 120, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तुरंत आंसर आ गया। चलिए फिर देखते हैं बी पार्ट को, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है टी का स्क्वायर, ठीक है, तो u की वैल्यू जीरो रखी, u t की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं क्योंकि t जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो जीरो ही आ जाना है ना। चलिए प्लस a की वैल्यू रख दी आपने, ठीक है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, a की वैल्यू 0.1 यहाँ पे रख दिया और t 120 का स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तब तो आ जाएगा 720, है ना, क्लियरली सॉल्व कीजिएगा आसानी से तो 720 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है, ऑलरेडी चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इनिशियल स्पीड आपको दे दी, शुरुआत की स्पीड दे दी बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यू की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब उस पर ब्रेक लगाए गए तो आप समझ लीजिए जब ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे तो उसकी स्पीड घटती जाएगी, ठीक है, प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन बेटा निगेटिव में होगा और निगेटिव में दिया भी है, माइनस के 0.5, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख दी, कह रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, ब्रेक लगाने के लगाते लगाते भी कितनी दूरी तक वो गाड़ी चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब तक कि वो रेस्ट में, सुनो बेटा, जब रेस्ट में आ जाएगी तो लास्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो वी हमने जीरो रख दिया, एक्सेलेरेशन दिया, क्या पूछा आपसे, एस दिया, ब्रेक लगाने के बाद भी वो कुछ डिस्टेंस चलेगी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सीधे सीधे लगा देंगे क्योंकि हमें वी दिया है, यू दिया है, ए भी दिया है, एस फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, तो लगाते हैं वी स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, यू यानी 25 का स्क्वायर प्लस टू, है ना, ए की वैल्यू माइनस में है तो देखो माइनस 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1, अब ये -1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाई 1, 625 मीटर, फिर भी चलते 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 ये रुकते 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 इतनी डिस्टेंस फिर भी ट्रेवल कर जाएगी। नेक्स्ट, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलेरेशन, एक ट्रॉली है वो धीरे धीरे, है ना, कहाँ से, ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी बेटा, है ना, ये आप ध्यान रखें, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, तिरछा, नीचे की तरफ ढलान,
एक्सेलेरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको तुरंत हमने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दी थी, मीटर पर सेकंड, 100 से डिवाइड करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है इसको। ध्यान रखना यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल होता है बेटा। चलिए टाइम दिया है 3 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड द स्टार्ट, स्टार्ट करने से 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टार्ट जब किया होगा बेटा यू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रही होगी, टाइम 3 सेकंड दिया है, वी आपको निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा लेंगे, वी इजिकल टू यू प्लस एटी, वी निकालना है, यू 0 दिया है, कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। एक्सेलेरेशन दिया था कितना 0.02 दिया हुआ था क्या, ठीक है, कितना दिया था 0.02, और टाइम कितना दिया था इसको दिया था 3। तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.06 मीटर पर सेकेंड, या फिर से इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो यहां पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ए कार रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, इसका एक रेसिंग कार है उसका एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ओके, एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुरंत गिवन डाटा में लिख दी हमने। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है बेटा, है ना, कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, चलने से। तो स्टार्ट जब कर रहा होगा तो यू कितना होगा 0, और 10 सेकंड टाइम दिया 10, यू दिया है, एस पूछा है, टी दिया है, ए दिया है, तो कौन सा सही रहेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सही रहेगा, है ना, कंडीशन को देखते हुए। तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस यू की वैल्यू 0 रख दी, हाफ रखा, ए 4 दिया है, 4 दिया हुआ है, टी यानी 10 का स्क्वायर, ये है ना स्क्वायर रखा हुआ, 10 का स्क्वायर 100 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 डिवाइड बाई हाफ करेंगे, है ना, आधे से क्या करेंगे उसको, मतलब 1/2 कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई, 1/2 कर रहे हैं, तो 200 मीटर आ जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर को ऐसे ऊपर की दिशा में आप फेंक रहे हैं, कहां से, जमीन से, मान लो ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ठीक है, विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी शुरुआत में जब फेंका है तो वेलोसिटी 5 है, यू की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप जान रहे हैं जब ऊपर की तरफ जाते हैं बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू निगेटिव में लेनी है ना। चलिए इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका जो एक्सेलेरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की दिशा में है, तो यानी जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको निगेटिव ही लेंगे, ठीक है, तो हमने निगेटिव लिया है बेटा माइनस के 10, है ना। वॉट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, स्टोन ने कितनी ऊंचाई ट्रेवल की, ये एच बता दीजिए बेटा, यानी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, एस पूछा है, और जब आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो आप है ना स्पीड कम होते यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी, तो वी की वैल्यू 0 दी हुई है, है ना, और टाइम भी पूछा है, क्या पूछा है, टाइम विल टेक टू रीच, ये बताओ मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो दो इक्वेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले हमने लगाया 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वी पता था 0, यू दिया था 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन दिया था -10, ठीक है, तो एस निकालना था। 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन रखी 0, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10, है ना, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -20 आ जाएगा, ठीक है, 2 इसका स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 डिवाइड बाई 20 सॉल्व करेंगे इसको, 1.25 मीटर आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे आसानी से आ जाएगा। अब चलते हैं टाइम निकालने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं, आप ऐसे 3rd सेकंड भी लगा सकते थे, है ना, हम करेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो, है ना। चलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, तो v की वैल्यू 0 है ना, a की वैल्यू की सॉरी u की वैल्यू क्या है 5 है, a की वैल्यू -10 है, t की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, 1/2, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 0.5 सेकंड लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने चैप्टर नंबर 7 के मोशन, जो फिजिक्स का चैप्टर है, उसका ब्लू क्वेश्चन, बिटवीन द क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास वर्क से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हेल्पफुल है, तो इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।